हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल तीज मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जिसको मैंने स्पेशली सूट के लिए क्रिएट किया है अफोर्डेबल मेकअप के साथ थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने आज वीडियो शूट किया है सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले ही अप्लाई कर लिए हाफ़ फेस पे और आपको कंपेरिजन शो करूँगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ़ेस पे अप्लाई किया है प्राइमर और ये एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है मैंने इसको पूरे फेस पे आईलेट्स पे और साथ ही नेक पे भी अप्लाई किया था बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद मैंने एक ब्लैक आई शेडो की हेल्प से अपने आईब्रोज की फिलिंग की है बहुत सारे लोगों के पास यू uh, नो you know, आई ब्रोज के प्रोडक्ट नहीं होते हैं फिर मैंने फाउंडेशन की हेल्प से अपने आईब्रोज की क्लीनिंग की है अगेन कंसीलर इज़ समथिंग जो कि सब लोगों के पास नहीं होता स्पेशली इफ यूर अ बिगनर फिर मैंने एल ए यूज़ किया है अपने हाफ फेस पर और आप देख सकते हैं कि जितने भी डार्क स्पॉट्स है इसने हाइड कर दिए हैं तो मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है स्पेशली यू नो कुछ स्पेशल uh, डेज पे ही होती है तो uh, उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आप किस तरह से उसे डील कर सकते हैं फिर मैंने यहाँ पे मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ किया अपने हाफ़ फ़ेस पे और बिल्कुल एक थिन लेयर अप्लाई करेंगे ताकि आपका स्किन नेचुरल लगे मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया अगेन हाफ फ़ेस पे एंड यू कैन सी द डिफ्रेंस कि बहुत ही अच्छे से इसने डार्क स्पॉट्स को हाइड कर दिया है अगर आपको कवरेज की ज़रूरत है कंसीलर से कवरेज कीजिए फिर मैंने पाउडर से अपना मेकअप सेट किया जो कि थोड़ा लाइट लग रहा है बट ग्रेजुअली मेरे शेड का हो जाएगा आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेरे शेड से थोड़ा सा ये लाइट है नाउ हमारा बेस मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है मैं यहाँ पे फुल कट क्रीज आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्राउन शेड को पिक करके अपने मैं लिड पे अप्लाई करूँगी यू कैन डेफिनेटली इंटेंसिफाई दिस कलर आप चाहें तो इसको दो से तीन बार बिल्ड करके और डीप कर सकते हैं मैंने एक यू नो रफली लाइन सा ड्रॉ कर लिया है फिर मैं एक मोव शेड पिक करूँगी और उसके बाद इसको मैं ब्लेंड करूँगी आपका जो पैलेट होना चाहिए वो एक अच्छी क्वालिटी का पैलेट होना चाहिए जो कि बिल्कुल पाउडरी नहीं हो चौकी नहीं हो तो ये जो पैलेट है आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बट ये पैलेट से आप यूनिक शेड्स यूनिक मेकअप लुक शेयर क्रिएट कर सकते हैं दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बटर की तरह ग्लाइड हो गया है एक ब्लैक शेड को पिक करके अपने ब्राउन शेड पर इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हम कट क्रीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा डीप होना ज़रूरी है ताकि हमारा कट क्रीज़ और उभर के आए फिर मैं फाउंडेशन की हेल्प से आज कट क्रीज ड्रा कर रही हूँ यूजुअली आपने कंसीलर की हेल्प से देखा होगा बट क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं तो मैं अपने मेकअप वीडियोस में कभी कभार आपके साथ अल्टरनेटिव भी शेयर करती हूँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बहुत अच्छे से टाइम लेकर के इसको ड्रॉ करना है दोनों आईज़ का कट क्रीज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा एंड यू कैन क्रिएट अ नाइस कट क्रीज़ एक न्यूड शेड लेकर के मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसको सेट करूँगी ज़्यादा पाउडर या फिर आप ज़्यादा आई अगर इस पर यूज़ करेंगे न्यूड का तो आप इस पर कलर बिल्ड नहीं कर पाएंगे मैंने मेकअप फिक्सर को अपने ब्रश पे अप्लाई करके थोड़ा सा ये मार्स का मैंने यू नो आई शेडो परचेज किया था जिसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन के साथ पर्पल बहुत ही अच्छे से जाता है बट ये अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ था तो लास्ट मैंने लास्ट uh, में अपने फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट किया है और इसको बिल्ड किया है नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल क्योंकि मैं ओकेजन्स के लिए क्रिएट करी हूँ तो मैंने थोड़ा सा पर्पल शेड uh, का ग्लेटर यूज किया है अपने आउटर कॉर्नर पर एक इफ़ेक्ट देने के लिए ये वाला जो पर्पल आई शेडो मैंने यूज़ किया है इसमें शिफ्ट है गोल्डन का प्लस थोड़ा सा ग्रीन का शिफ्ट आता है क्योंकि ये आ, यू नो मोनोक्रोमिक आई शेडो है मैंने यहाँ पे के ब्यूटी की काजल से अपने वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लिया है और जिससे मैंने अपने आ, 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 आई को, so sorry, आई आईब्रोज को सॉरी आईब्रोज को बिल्ड किया था Uh, उसी से मैं अपने काजल को ब्लेंड आउट कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा आपका काजल जो है वो स्मज प्रूफ हो जाएगा मैंने यहाँ पे एक विंग आई लाइनर ड्रॉ किया है क्योंकि फेस्टिवल्स में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विंग आई लाइनर आपके मेकअप लुक को कम्प्लीट करता है फिर मैंने यहाँ पर मस्कारा यूज़ किया है इसके बाद मैं ऑब्वियसली लास्ट में फॉल फॉल्सीज़ अप्लाई कर रही हूँ जो कि अगेन ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर फेसिस के पैलेट में से ये ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फेसिस का पैलेट बहुत ही ज़्यादा रेटेड है बट मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करी हूँ एंड यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है सो अगेन आई हैव डन माई कॉन्टोरिंग एज वेल नाउ मैं यहाँ पे लिपस्टिक की हेल्प से बहुत ही लाइट सा ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैंने ये uh, जो ब्लश है लाइट इसलिए रखा है क्योंकि मेरा जो आई मेकअप है ये डीप है अगर आप आई मेकअप डार्क रख रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि ब्लश बिल्कुल नेचुरल रखिए जो कि आपको लिपस्टिक से मिल जाएगा आजकल टेंट भी अवेलेबल है मार्केट में बट काफ़ी लोगों के पास नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी यूज कर सकते हैं लाइक ब्लश बिल्ड कर सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई किया है एंड यू विल सी द डिफरेंस अगर आप आई मेकअप डार्क रख रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि लिपस्टिक थोड़ा लाइट रखिए मैंने यहाँ पे पिंक लिप लाइनर यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की यू uh, नो you know, पूरी किट से फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूड पिंक लिप्स रख रही हूँ जो कि मेरी मेकअप और आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले की तरह वापस से लिंक में लाइक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देना स्टार्ट कर दूँ प्लीज़ लेट मी नो यहाँ पर मैंने नायका का ब्रेक लेग लिपस्टिक यूज़ किया है काफ़ी टाइम के बाद मैंने लिपस्टिक्स आई मीन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है तो मेरे प्रोडक्ट्स आपको थोड़े से पुराने लग रहे होंगे बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से uh, काम करता है ये कॉम्बो जो मैंने आज क्रिएट किया है यहाँ पे मैंने इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है एंड कॉम्बो वाली लिपस्टिक मैं काफ़ी टाइम से बनाती थी uh, मैं सारे मेकअप में थोड़ा कस्टमाइज़ करती थी लिपस्टिक एंड पर्सनली मुझे अच्छा लगता था न मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ग्लॉस uh, यूज़ किया है क्योंकि आजकल ग्लॉसी लिप्स वापस से ट्रेंड में है एंड दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक ये जो ज्वेलरी है मैंने आ, मिंत्रा से परचेज़ की है मैंने इनके भी कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं जिनके मैं वीडियोस जल्दी ही शेयर करूंगी ये जो बैंगल्स मैंने बनाया है जस्ट मैंने ढाई सौ तीन सौ रुपये का लोकल मार्केट से परचेज़ करके एक सेट बनाया है अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपना बैंगल्स आ, का सेट बनाती हूँ प्लीज़ लेट मी नो आज के लिए बस इतना ही बाय